हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। ये कम्प्लीटली नई वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू सपोर्ट वेक्टर मशीन। सो एसवीएम के ऊपर है, उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए इसके अंदर और भी चीजें हैं, सो एक एक चीज करके मैं बताऊंगा आपको। तो एसवीएम आर द टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क ऑल्सो। सो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए ही काम में आती है। सुपरवाइज्ड का ही है तो क्लासिफिकेशन में भी काम में आती है और रिग्रेशन में भी काम में आती है। ठीक है, रिग्रेशन में भी काम में आती है। सो द मेन आइडिया बिहाइंड एसवीएम्स इज टू फाइंड अ हाइपर प्लेन। यहाँ पर एसवीएम का काम है कि हम एक हाइपर प्लेन ढूंढ के लेके आए। हाइपर प्लेन, देखो अगर आपको हाइपर प्लेन नहीं है, नहीं पता, तो मैं इसकी फोटो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आओ, हाइपर प्लेन डालते हैं। सेकेंड, सो ये आपके हाइपर प्लेन हो गए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये अच्छी पिक्चर है यार, ये वाली, ये अच्छी पिक्चर है। सो ये अपना हाइपर प्लेन हो गया। ठीक है, तो मेन जो टास्क है ना, जो इसका मेन आइडिया है कि हाइपर प्लेन फाइंड करना है दैट मैक्सिममली सेपरेट्स द डिफरेंट क्लास इन इन दी ट्रेनिंग सेटिंग ट्रेनिंग डेटा। अब देखिए, इसने डिवाइड कर दिया, इसने इस डेटा को इधर और इस वाले को इधर। ठीक है, इसने पर्टिकुलरली डेटा को डिवाइड कर दिया, तो हम तो ने एक हाइपर प्लेन ढूंढ लिया कि किस तरीके से दो क्लास डिफरेंट है भाई साहब अपनी। ठीक है, सो ये इसका बेसिक आइडिया है। यहाँ पर और भी आप देख सकते हो, ये हो गया एक, ये एक डेटा है, इसके अंदर हाइपर प्लेन ढूंढना है। ये एक डेटा हो गया, यहाँ पर अपन एक हाइपर प्लेन ढूंढना है। तो किस तरीके से अपन हाइपर प्लेन इन जगहों पर ढूंढेंगे कि हम सेपरेट कर सके, मैक्सिममली सेपरेट कर सके जो डिफरेंट क्लासेस हैं ट्रेनिंग डेटा के अंदर उनको। दिस इज डन बाय फाइंडिंग द हाइपर प्लेन दैट हैज द लार्जेस्ट मार्जिन विच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स फ्रॉम ईच क्लास। सो ये मतलब डिफाइन किया जाता है कि हमारा डिस्टेंस कितना हाइपर प्लेन से और कितना डेटा क्लोज है उस पर्टिकुलर क्लास से। ठीक है, वंस द हाइपर प्लेन इज डिटरमाइंड न्यू डेटा कैन बी क्लासिफाइड बाय डिटरमाइनिंग ऑन विच साइड ऑफ द हाइपर प्लेन इज फॉल्स, कि वो जो पर्टिकुलर डेटा है वो किस तरफ जाएगा। एसवीएम्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डेटा हैज मेनी फीचर्स एंड और वेयर देयर इज अ क्लियर मार्जिन ऑफ सेपरेशंस इन द डेटा। सो एसवीएम का पर्टिकुलरली यूज ही वहां पर है जब डेटा के अंदर बहुत सारे फीचर हो या फिर उसके अंदर क्लियर मार्जिन हो सेपरेशन सेपरेशन के लिए डेटा के अंदर। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि एसवीएम क्या है। मैं फोटो लगा लेता हूँ भाई साहब, फोटो लगा कर देखना, बढ़िया काम है। एसवीएम, एसवीएम मशीन, एसवीएम मशीन देख लो। ये आपकी एसवीएम मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसका काम ही ये है कि वो हाइपर प्लेन ढूंढे। तो ये एसवीएम का काम हो गया मैंने। सो एसवीएम इज अ रिलेटिवली सिंपल सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड और रिग्रेशन। इट इज मोर प्रिफर्ड फॉर क्लासिफिकेशन बट इज समटाइम्स वेरी यूजफुल फॉर रिग्रेशन एज वेल। बेसिकली एसवीएम फाइंड्स अ हाइपर प्लेन दैट क्रिएट्स अ बाउंड्री बिटवीन द टाइप्स ऑफ डेटा। यहाँ पर हाइपर प्लेन क्रिएट करने का काम आपका एसवीएम का है। ये देखो, ये एसवीएम का काम ये है कि वो हाइपर प्लेन क्रिएट करे। ठीक है, इन टू डायमेंशनल स्पेस दिस हाइपर प्लेन इज नथिंग बट अ लाइन। अगर टू इसकी बात करें तो ये एक लाइन है। ठीक है, इन एस वी एम वी प्लॉट ईच डेटा इनपुट इन द डेटा सेट इन एन डायमेंशनल स्पेस वेयर एन इज द नंबर ऑफ फीचर्स एट्रीब्यूट्स इन द डेटा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द ऑप्टिमल हाइपर प्लेन टू सेपरेट द डेटा। सो बाय दिस
यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट इनहेरियंटली एसवीएम कैन ओनली परफॉर्म बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन, चूज बिटवीन टू क्लासेस, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एसवीएम। हाउएवर देर आर वेरियस टेक्निक्स टू यूज फॉर मल्टी क्लास पर्पज, लाइक सपोर्ट वैक्टर मशीन फॉर मल्टीपल क्लास प्रॉब्लम टू परफॉर्म एसवीएम ऑन मल्टी क्लास प्रॉब्लम। वी कैन क्रिएट अ बाइनरी क्लासीफायर फॉर ईच क्लास ऑफ द डेटा। द टू रिजल्ट ऑफ ईच क्लासीफायर विल बी द डेटा पॉइंट बिलोंग टू दैट क्लास और द डेटा पॉइंट डज नॉट बिलोंग टू दैट क्लास। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको इमेज खोल के दिखाता हूँ, सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इसको खोल लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो इमेज है, सो यहाँ पर क्या है, इन दिस क्लास ऑफ फ्रूट्स टू परफॉर्म मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन वी कैन क्रिएट अ बाइनरी क्लासीफायर टू फॉर ईच फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल द मैंगो क्लास, देर विल बी द बाइनरी क्लासीफायर टू प्रिडिक्ट इफ इज अ मैंगो और इट इज नॉट अ मैंगो। द क्लासीफायर विल हाइएस्ट स्कोर इज चूजन एज द आउटपुट ऑफ द एसवीएम। एसवीएम फॉर कॉम्प्लेक्स लाइक नॉन लीनियर सेपरेबल, दिस इज नॉन लीनियर सेपरेबल, एसवीएम वर्क्स वेरी वेल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन फॉर लीनियरली सेपरेबल डेटा। लीनियरली सेपरेबल डेटा इन एनी डेटा दैट कैन बी प्लॉटेड इन अ ग्राफ कैन बी सेपरेटेड इंटू टू क्लास यूजिंग स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दैट इज लीनियरली सेपरेबल डेटा, ओके, एंड दिस इज नॉन लीनियरली। वी कैन कर्नलाइज्ड एसवीएम फॉर नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा, हम उसको कर्नलाइज कर सकते हैं एसवीएम को, से वी हैव सम नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा इन वन डायमेंशनल, एक डायमेंशनल के अंदर हमारे पास में नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा है। वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस डेटा इनटू टू डायमेंशंस एंड द डेटा विल बिकम लीनियरली सेपरेबल इन टू डायमेंशंस। दिस इज डन बाय मैपिंग ईच वन डायमेंशनल डेटा इनटू इन इन टू अ कॉरेस्पॉन्डिंग 2D ऑर्डर्ड पेयर। सो फॉर एनी नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा इन एनी डायमेंशन वी कैन जस्ट मैप द डेटा टू अ हायर डायमेंशन एंड देन मेक इट लीनियरली सेपरेबल। दिस इज वेरी पावरफुल एंड जनरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब ये है कि कर्नल इज नॉट बट अ मेजर ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन डेटा पॉइंट्स। कर्नल क्या है भाई, कुछ नहीं है यार, एक मेजर है कि दो दो जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके बिटवीन क्या सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। कर्नल फंक्शन इन अ कर्नलाइज्ड एसवीएम टेल्स यू दैट गिव टू डेटा पॉइंट्स इन द ओरिजिनल फीचर स्पेस व्हाट द सिमिलरिटी इज बिटवीन द पॉइंट्स इन द न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड फीचर स्पेस। देर आर वेरियस कर्नल फंक्शंस अवेलेबल बट टू आर वेरी पॉपुलर। वन इज रेडियली बेसिस फंक्शन कर्नल। इसके बारे में थोड़ा सा लिख के बात करते हैं। एक तो हो गया रेडियल बेसिस फंक्शन, कर्नल फंक्शन बेसिकली, इसको हम आरबीएफ भी बोलते हैं, आरबीआई होता है ऐसे, आरबीएफ। सिमिलरिटी बिटवीन टू पॉइंट्स इन द ट्रांसफॉर्म्ड फीचर्स स्पेस इज एन एक्सपोनेंशियली डिक्लेइंग फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर एंड द ओरिजिनल इनपुट स्पेस एज shown here, I will give you x exponentially and this is learning factor and this is absolute x minus x bar. So what is x? So what we are doing here, we have two points in the transformed feature space, वो है exponentially dic अपन decay कर रहे हैं उसका, decaying function of the distance between the vector, जो डिस्टेंस है वेक्टर एंड द ओरिजिनल इनपुट, जो आपका ओरिजिनल इनपुट है, एक तो जो वेक्टर आ रहा है और एक जो ओरिजिनल इनपुट हम दे रहे हैं, उन दोनों का डिस्टेंस। सो इसे कहते हैं रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल, ठीक है। आरबीएफ इज डिफॉल्ट कर्नल यूज्ड इन एसवीएम, सो ये बाय डिफॉल्ट हम यही यूज करते हैं, ठीक है, रेडियल बेसिस करते हैं। दूसरा अपना अपने पास में पॉलीनोमियल कर्नल, सो पॉलीनोमियल कर्नल टेक्स
एंड एडिशनल पैरामीटर डिग्री दैट कंट्रोल्स द मॉडल्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंप्यूटेशनल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो इतने में कोई दिक्कत है तो प्लीज गाइस एक बार वीडियो को वापस देख लें और कमेंट करें। सो लॉट ऑफ पीपल हैज डाउट कि हाउ टू यूज दिस कर्नल एंड व्हाट इज यूज ऑफ लाइक व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू हायर डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट इज यूज ऑफ दैट। सो सपोज आई हैव टू फीचर्स इन इनपुट, आई हैव टू फीचर्स, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्टिंग्विश वेदर दिस इज डॉग और कैट एंड आई हैव टू फीचर्स कि इट हैज फोर लेग्स एंड फोर लेग्स एंड वन टेल। ओके, अब दो फीचर के आधार पे, ये तो डॉग के भी फीचर है और ये तो कैट के भी फीचर है, तो इसके आधार पे तो अपन ज्यादा यार उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वो तो नियर बाय रह जाएंगे यार, बहुत नियर बाय छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बिटवीन। तो हम क्या करेंगे, इन फीचर्स को, ये 2D जो फीचर्स है इनको 3D में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और 3D में कन्वर्ट करके फिर बाद में हम इसके पास में हमारे पास में ज्यादा फीचर्स बढ़ गए, या फिर 3D में छोड़ो, इनका जो R2 जो डेटा सेट था उसको मैंने R5 या R6 में कर लिया, तो अब ये इसकी वजह से और स्प्रेड हो गया है डेटा। ठीक है, जो कैट वाले थे वो ज्यादा पास में यहाँ पर है और जो नॉन कैट वाले वो समझ लो यहाँ पर है। ठीक है, ये वाले नॉन कैट वाले ना, मतलब कैट वाले हैं और डॉग वाले यहाँ पर हो गए। ठीक है, ये समझ लो, तो ये इसकी एक बाउंड्रीज बन गई कि भाई ये तो कैट वाला रीजन है और ये डॉग वाला, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो कर्नल फंक्शन है ना, वो एक डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन द ट्रांसफॉर्म्ड फीचर वेक्टर इन अ हायर डायमेंशनल स्पेस विदाउट एक्सप्लिसिटली कंप्यूटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि वी डोंट नीड टू नो द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड फीचर्स, हमें जो एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्म्ड फीचर है उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, वी ओनली नीड टू नो हाउ टू कंप्यूट द डॉट प्रोडक्ट। हमें सिर्फ यही जानने की जरूरत है कि उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। बाय फाइंडिंग अ सुटेबल कर्नल एंड अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन एसवीएम कैन देन लर्न अ डिसीजन बाउंड्री और हाइपर प्लेन दैट सेपरेट द क्लासेस इन दी हायर डायमेंशनल स्पेस। व्हेन मेकिंग प्रिडिक्शन द एसवीएम मैप्स न्यू डेटा पॉइंट्स इन टू हायर सेम हायर डायमेंशनल स्पेस यूजिंग द कर्नल फंक्शन ऑफकोर्स एंड डिटरमाइंस विच साइड ऑफ हाइपर प्लेन दे लाई ऑन, क्लासीफाइंग देम अकॉर्डिंगली। सो समरी में बात करूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन द डेटा इन टू हायर डायमेंशनल अलाउज एस पी एम टू फाइंड डिसीजन बाउंड्रीज और हाइपर प्लेन्स दैट कैन सेपरेट क्लासेस दैट मे बी लीनियरली सेपरेबल इन द ओरिजिनल फीचर स्पेस। इट प्रोवाइड्स अ वे टू कैप्चर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड इम्प्रूव द क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। ठीक है, सो ये बात है भाई। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्नल्स हैं वो और मैं बता देता हूँ आपको, रेडियली हो ही गया, पॉलीनोमियल हो ही गया, अगला एक और है आपने सबसे पहले तो लीनियरली, इसके बारे में नहीं बताया था मैंने। लीनियर जो कर्नल है वो सीधा सीधा क्या करता है ना कि इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज यूज्ड फॉर लीनियरली सेपरेबल डेटा और व्हेन अ लीनियर डिसीजन बाउंड्री इज डिजायर्ड। जब हमें लीनियर बाउंड्री डिजायर्ड है तब हम लीनियरली कर्नल को यूज करते हैं। पॉलीनोमियल फंक्शन कर्नल तब यूज करते हैं जब कोई कर्व हो या फिर किसी तरीके का मतलब सर्किल या कुछ इस तरीके की हो, तब हमें इस तरीके का यूज करने की जरूरत है। रेडियली रेडियल बायस्ड जो फंक्शन हो गया वो तो मतलब कुछ डेटा से इनफिनिटी जो डायमेंशन स्पेस बनानी है तब, ये इनेबल करता है एसवीएम को कि हम कैप्चर करें कॉम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को इसके थ्रू। द आरबीएम कर्नल इज वाइडली यूज ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। और अगला जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट कर्नल, इट अप्लाइज अ सिग्मॉइड ट्रांसफॉर्मेशन टू डेटा विच कैन बी यूजफुल फॉर स्पेसिफिक कर्नल, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिग्मॉइड फॉर्म कर्नल, सिग्मॉइड फंक्शन, सॉरी कर्नल। सो कर्नल का मतलब क्या है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्नल यार एक पूरा पूरा टॉपिक है भाई साहब, अगर आप मशीन लर्निंग देखोगे वो सॉरी स्टैटिस्टिक्स मैथ्स देखोगे, मैथ्स 2
अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मैथ्स टू आईआईटी मद्रास आप सर्च करें यूट्यूब पे और उसके अंदर जाके देखें कर्नल वाला टॉपिक। तो कर्नल एक डेप्थ टॉपिक है जहाँ पर हम ये करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, एक पूरा इन डेप्थ पढ़ा रखा है वहाँ पर, और ये यूज़ होता है मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया, कोई डाउट है तो लिखो यार गाइज। अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट एसवीएम डज नॉट एक्चुअली हैव टू परफॉर्म दिस एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द डेटा पॉइंट्स टू द न्यू हायर डायमेंशनल फीचर स्पेस। सो दिस इज कॉल्ड द कर्नल ट्रिक, इसे हम कर्नल ट्रिक बोलते हैं। तो कर्नल ट्रिक क्या है, बेसिकली इंटरनली द कर्नलाइज्ड एसवीएम कैन कंप्यूट दिस कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरनली जो कर्नलाइज्ड जो एसवीएम है वो इन सबको कंप्यूट कर सकता है, हमें एक्सटर्नली इनको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, इंटरनली ये कंप्यूट किए जा सकते हैं दिस कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट इन टर्म्स ऑफ सिमिलरिटी कैलकुलेशन बिटवीन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स इन अ हायर डायमेंशनल फीचर स्पेस वेयर द ट्रांसफॉर्म्ड फीचर रिप्रेजेंटेशन इज इम्प्लिसिट। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म्ड रिप्रेजेंटेशन है वो इम्प्लिसिट है भाई, इम्प्लिसिट है। दिस सिमिलरिटी फंक्शन विच इज मैथमेटिकली अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डॉट प्रोडक्ट इज एक्चुअली कर्नल ऑफ द कर्नलाइज्ड एसवीएम। जो ये मतलब फंक्शन है वो एक्चुअली मैथमेटिकली एक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डॉट प्रोडक्ट है, वो असल में कर्नल ही है यार, जो कर्नलाइज्ड एसवीएम है उसका एक कर्नल ही है भाई यार, ये डॉट प्रोडक्ट असल में कर्नल ही है भाई, कुछ और नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये जो डॉट प्रोडक्ट आया है ना बेसिकली नॉर्म से ही आया है, नॉर्म से ही परिभाषा निकल के आई है, तो अगर आप उसमें देखोगे तो आपको समझ में आएगा। दिस मेक्स इट प्रैक्टिकल टू अप्लाई एसवीएम व्हेन अंडरलाइंग फीचर स्पेस इन इज कॉम्प्लेक्स और इवन इनफिनाइट डायमेंशन। द कर्नल ट्रिक इटसेल्फ इज अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। आई कांट टेल यू ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो। सो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स इन कर्नलाइज्ड एसवीसी और कर्नलाइज्ड वेक्टर क्लासिफायर इज, पहली बात तो एक जो कर्नल है वो खुद अपने आप में इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा था यार, ये गामा है यार, इसको गामा कर लो यार, नहीं तो आप लर्निंग फैक्टर से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में आप बात करते हैं, तो सबसे पहला जो है वो तो है कर्नल, द कर्नल। तो द कर्नल इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ डेटा। सो अपने पास में किस तरीके का डेटा है एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके का हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। बाई डिफॉल्ट हम यूज करते हैं RBF, रेडियल बायस फंक्शन, जनरली RBF को यूज करते हैं, रेडियल बायस फंक्शन को, सॉरी बायस बोल रहा हूँ, बेसिस फंक्शन, रेडियल बेसिस फंक्शन। फिर दूसरा जो फीचर है, जो मतलब इसका पैरामीटर है, क्लासिफायर का जो पैरामीटर है वो है गामा। दिस पैरामीटर डिसाइड्स हाउ फार द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल रीचेस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो पैरामीटर वो ये डिसाइड करता है कि कितने दूर तक इन्फ्लुएंस करेगा एक सिंगल ट्रेनिंग जो एग्जाम्पल है जहाँ पर हम ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन पहुँचते हैं। ठीक है, सो हाउ फार द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल रीचेस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन विच इन टर्न अफेक्ट्स हाउ टाइटली द डिसीजन बाउंड्रीज एंड अप अराउंड द सराउंडिंग पॉइंट्स इन द इनपुट स्पेस। वो ये भी मतलब इन टर्न अफेक्ट करता है कि जो कितना टाइटली जो डिसीजन बाउंड्रीज है वो एंड अप है सराउंडिंग पॉइंट्स इन द इनपुट स्पेस के अंदर। इफ देर इज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ गामा पॉइंट्स फर्दर अपार्ट आर कंसिडर सिमिलर, सो मोर पॉइंट्स आर ग्रुप टूगेदर एंड हैव स्मूदर डिसीजन बाउंड्रीज मे बी लेस एक्यूरेट, लार्जर वैल्यू ऑफ गामा कॉज पॉइंट्स टू बी क्लोजर टूगेदर मे कॉज ओवर फिटिंग। सो अगर मतलब ज़्यादा इस वो है लार्जर हो जाएगी तो भाई वो ज़्यादा ही क्लोज आ जाएंगे तो ओवर फिटिंग हो जाएगा, और अगर मतलब ज़्यादा वो हो गया छोटा हो गया तो लेस एक्यूरेट रहेगा। तो दोनों ही अपनों को
देख के चलना पड़ेगा। फिर अपना आगे सी पैरामीटर, जो तो जो सी पैरामीटर है, दिस पैरामीटर कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ रेगुलाइजेशन अप्लाइड टू द डेटा। लार्ज वैल्यूज ऑफ सी मीन्स लो रेगुलराइजेशन, विच इन टर्न कॉजेज द ट्रेनिंग डेटा टू फिट वेरी वेल, मे कॉज ओवर फिटिंग। लोअर वैल्यू ऑफ सी मीन्स हायर रेगुलराइजेशन, विच कॉजेज द मॉडल टू बी मोर टॉलरेट ऑफ एरर, मे लीड टू लोअर एक्यूरेसी। तो यहाँ पर यार उल्टा है कि अगर यहाँ पर भी वही है कि लोअर करेंगे वैल्यू ऑफ सी को, सो इसका मतलब है हाईली रेगुलराइज हो रहा है वो, ठीक है, सो लो एक्यूरेसी आएगी। और अगर मैंने उसको लार्ज कर दिया तो ओवर फिटिंग हो जाएगा, क्यों ज़्यादा पास पास में आ जाएगा। सो जो प्रॉन्स है कर्नलाइज्ड एसवीएम के, ये है कि वेरी वेल परफॉर्म करता है रेंज ऑफ डेटा सेट के ऊपर, दे आर वर्सेटाइल एंड दे वर्क वेल फॉर बोथ हाई एंड लो डायमेंशनल डेटा, ठीक है। कॉन्स तो वो यही है कि एफिशिएंसी डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ ट्रेनिंग सेट इंक्रीजेज, ठीक है, और नीड्स केयरफुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ इनपुट डेटा एंड पैरामीटर ट्यूनिंग। हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा जब हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं इनपुट डेटा को, और जो पैरामीटर को जो ट्यून कर रहे हैं उस टाइम पे। डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी एस्टिमेटर, ये नहीं करता है, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेटर प्रोवाइड नहीं करता है। डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट वाई अ प्रिडिक्शन वॉज मेड, सो ये इंटरप्रिटेट करना कि प्रिडिक्शन क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया, कोई डाउट है तो गाइस कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।